दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन किसी इंटरनेशनल वार की प्रिपरेशन से कम नहीं होती, एंड जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. इफ यू वांट टू सर्व योर सोसाइटी, योर नेशन, देन दिस कैन बी द बेस्ट डेस्टिनेशन. ऑल द ग्रेजुएट्स, वेदर इंजीनियर्स, साइंस ग्रेजुएट्स, ह्यूमैनिटी ग्रेजुएट्स, ऑल आर एलिजिबल, एंड यू कैन टेक ए कॉल दैट यू वांट टू सर्व द सोसाइटी एंड यू कैन राइट द सिविल सर्विसेज. टुडे इन दिस पैनल डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट IAS, we have the top rankers of the civil services examination 2017 with us, and also the panelists including the Ruchika ma'am and myself. So with us today we have the Archit Chandak, who has secured all India rank 184 and his optional was mathematics and BTech from IIT Delhi in mechanical engineering, passed out in 2016. Bharat Mittal, who has secured all India rank 256, BTech again from IIT Delhi in civil engineering in 2015. Ankita Mishra, she has secured All India rank 105 with the subject anthropology and BTech from JSS Noida in computer science in 2014. And finally, Shakti Mohan, who has secured All India rank 296 with the political science and international relations and passed out from BIT Mishra in civil engineering in 2014. So one thing which I see today, All are engineers. वैसे तो इंजीनियर्स हमेशा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि सारा टैलेंट यहाँ आ गया है. सो द बेसिक आइडिया ऑफ दिस डिस्कशन इज टू शेयर द थॉट्स ऑफ द टॉप रैंकर्स की उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की. आप अपनी प्रिपरेशन को उनके आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और अगर आप भी ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो दिस कैन बी एन इंस्पायरिंग वीडियो फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट की अंकित, आई विल टेक ए कॉल फ्रॉम यू. GSS Noida and finally coming to civil services, इस पीरियड में आपने कब डिसीजन लिया कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? एक्चुअली मैंने कभी नहीं लिया था. सो व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, मैंने जीआरई दिया था एंड आई वाज सिलेक्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया फॉर मास्टर्स. फिर मुझे जाना था, एवरीथिंग वाज डन, हाउसिंग डन, कॉलेज डन, सब कुछ डन, एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड, एक्सट्रीमली क्लोज. So last moment when the time came for me to go, tickets and all, everything was done, I was like, I won't be able to go. Now what? Now what? So next. So now what? So it was kind of that for me. And I was very clear in my head ki MBA is not my cup of tea. Right. I won't be doing that. Right. Gate wagaira ke liye padha nahi tha. So my dad suggested UPSC because wo bahut pehle se chahte the. And it's only when I came here and I started preparing, I realized the impact that it has. उसके पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या है. तो मैं जब यहाँ नहीं आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था मनरेगा क्या होता है. सच में मतलब जो बैग मेरा वहाँ के लिए था उसी बैग के साथ आई लैंडेड इन ओल्ड रजिंद्रनगर, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. एंड आई आल्सो फेल्ट दैट आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो आई नीडेड एन आइडेंटिटी ऑफ माई ओन, एंड दैट टू फ्रॉम यूपी. सो इट वाज द बेस्ट वन, द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्सप्लोर समथिंग एंड यू कैन रियली सर्व द सोसाइटी आल्सो, नेशन आल्सो, एंड यू कैन रियलाइज योर ड्रीम्स कम ट्रू. राइट. सो लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन ऑन द एग्जाम. तो इफ आई आस्क अर्चित, प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, कैन इट बी डन टुगेदर और इट हैज टू बी वन बाय वन? जो प्रीलिम्स की डिमांड होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है एंड मेंस की थोड़ी डिफरेंट होती है, एंड यूपीएससी में सफिशिएंट टाइम देता है प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए एंड मेंस के लिए. तो प्रीलिम्स के 3 मंथ्स पहले पढ़ाई तो काफी पहले शुरू होती है. सबसे पहले तो दिमाग में डालना है कि ये एग्जाम बहुत डुएबल है, यू कैन एक्चुअली स्टडी फॉर 8 आवर्स एवरी डे एंड क्लियर दिस सफिशिएंटली इजीली. तो प्रीलिम्स के पहले मेन एम ये होना चाहिए कि आप पूरी एनसीईआरटी बुक्स अपनी कवर कर लो, खुद से नोट्स बना लें, एंड उसको मतलब एक्चुअली ये एग्जाम 3 आर का खेल है. यू रिमेम्बर, यू रिवाइज, and you reproduce. When you do this thing, aram se, and you clear, and you do all the test series. हम सब test series करो, and मतलब काफी test series होती है, हर institute provide करता है, जो आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं, and आपके short notes रहेंगे, and आप जब अब जब पूरा holistically इसको कर लेंगे, and past के questions पूरा ये देख लेंगे, तो prelims will be very easy for you. Right. हाँ सर, इनकी preparation कर सकते हैं mains and integrated. आपने भी ऐसा ही किया? Integrated ही करी. But he said, और इनफैक्ट प्रीलिम्स और मेंस को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है. But 2-3 months ago from prelims, तब dedicated way में exclusively prelims. And one thing more, like he said के remember, revise and reproduce. I think सबसे important है reproduce. Like हर बंदा remember and revise पे बहुत ध्यान देते हैं, हम सारा time करते ही वो है, लेकिन reproduce नहीं कर पाते हैं. जब वो वाला talent आ गया तब we can clear this exam.
शक्ति मोहन अवस्थी, अगर प्रीलिम्स के एक महीने पहले की बात करें, जो आज स्टेज है प्रीलिम्स एक महीने बाद होने वाला है, तो हम इस स्टेज में ना प्रेशर डेवलप होने लगता है, और लास्ट मोमेंट में वन मंथ में इतने सारे फ्लेवर्स को कंपाइल करने के लिए, क्या आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे, माइक्रो नोट्स या कुछ ऐसा कुछ किया था? कैसे आपने कैसे हैंडल किया अपने एग्जाम को? सर एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही किया था. मेरे मुताबिक नोट्स बनाने का पर्पस ही होता है कि आप चीजें शॉर्ट्स कर दें, तो जितने ज्यादा नोट शॉर्ट हो उतना अच्छा है. तो मेरा सजेशन फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये है कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो पहली दो तीन रीडिंग में नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आप सब नोट्स बना लेंगे. जब आप दो तीन बार एक चीज को पढ़ लेते हैं उसके बाद नोट्स बनाएं, और नोट्स जितने शॉर्ट हो सके उतना अच्छा है. इतना हो सके कि अगर आप ज्योग्राफी आप कर रहे हो तो उसे आप एक कॉपी में कर सको, आप 6-7 घंटे में पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर सको, इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए. अच्छा, मैं एक यहाँ पर अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स होने का एक फायदा ये भी होता है कि आप जब मेंस में लिखते हो तो कुछ नए आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, लेकिन अगर आपने बहुत बड़े बड़े नोट्स बना रहे होते हैं, बना चुके होते हैं, तो फिर वो उसी नोट्स को रिप्रोड्यूस करने की आदत पड़ जाती है. यस, अच्छा आप चारों इंजीनियर्स हो और ये एग्जाम जो है ये एक जर्नलिस्ट एग्जाम है, और आपने कहा ये एक बहुत डूएबल एग्जाम है. yes, तो जनरली क्या होता है कि लोग घबराते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स देख के, कि इंजीनियरिंग में आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की होती है और इसमें इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड मोर ओवर यू आई एम हैप्पी दैट यू एम्फसाइज दैट दिस इज अ डूएबल एग्जाम, है ना, वो फियर होता है. तो हाउ हैव यू ओवरकम दिस फियर कि फ्रॉम अ टेक्निकल फील्ड इनटू अ जर्नलिस्ट एग्जाम, जर्नलिस्ट प्रिपरेशन, हाउ जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हम एक चीज बड़ी अच्छी सीख जाते हैं, वो एफिशिएंसी, और हम लोग इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ते हैं कि हम लोग बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं, और इस एग्जाम में भी एफिशिएंसी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्री के लिए भी तैयारी करेंगे तो हम एक हफ्ते में सब कुछ नहीं रिवाइज कर सकते, तो हम लोग को एफिशिएंट होना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी जो जो रिवाइज हो सके वो रिवाइज करें, और ये सब स्टेजेस में अप्लाई. मुझे मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि ये जो लगता है ना डर लगता है, इट्स इनिशियल 4 days, 5 days और 1 week, after that you start enjoying the process. Itne saal se aap ek monotonous cheez padh rahe ho, engineering wahi maths wahi mechanical wahi computer science, all of a sudden when you see the humanities wale subject na, to aapko aise feeling aati hai it is so interesting. Yeah, interesting. And jab hum newspaper padhte hain to hamara motivation bhi hota hai ki humko desh mein itni sari cheeze ho rahi hai, unke bare mein janna, sochna, samajhna, and apne khud inputs provide karna, and hamari aise analytical bent of mind increase hota hai. And I think newspaper reading is also must. Acha, isse newspaper ki agar baat kare to kaun se न्यूज़पेपर रेफर करने चाहिए और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए? एक तो सबसे पहले कि हिंदू तो काफी लोग पढ़ते हैं, वो आप जरूर पढ़िए, बट इफ आई मे ऐड, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज आता है, इट इज वंडरफुल. मतलब आप सब लोग ने इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज जरूर पढ़ना चाहिए, वो तो ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया. ये एग्जाम के किस पर्टिकुलर पार्ट में हेल्प करता है? मतलब बेसिकली मेंस में, एसए में, या प्रीलिम्स के लिए, या तीनों के लिए जरूरत है? तीनों के लिए, तीनों के लिए. अच्छा भी लगता है कि हमें चीजें डेप्थ में मालूम हो रही है, एंड वी आर एक्चुअली क्लियरिंग आवर डाउट्स. तो क्लासरूम आता है इकोनॉमिक टाइम्स में, अब बहुत सारे न्यूज़पेपर इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं. एक चीज और, इंडियन एक्सप्रेस में ये एक पेजेस आते हैं रूरल अर्बन गवर्नेंस, ये हफते में 5 days आते हैं, ये भी बहुत अच्छे है. और इसमें आपको एक इकोनॉमिस्ट का भी आता है, उसने बताया कि राज्यसभा टीवी को वॉच करना, दैट ऑल्सो कैन बी यूजफुल, एंड देयर आर सर्टेन ऑनलाइन पोर्टल्स, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू पीपल कि व्हिच ऑनलाइन पोर्टल्स कैन बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स. सर राज्यसभा टीवी मेनली मेंस के लिए काम आता है काफी, इन पिक्चर उसकी डिबेट, सिक्योरिटी स्कैन, एंड इंडियाज वर्ल्ड, ये सब से आपका, एंड आप खाना खाते खाते देख सकते हैं 25 मिनट, दोस्तों का एंजॉय कर सकते हैं, तो ये सब चीजें यू योरसेल्फ एंजॉय, यू आर लर्निंग आल्सो एंड यू आर चेंजिंग योर माइंडसेट आल्सो, रिलैक्स हो रहे हैं. जैसे नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है, सब लर्ड हैं आपस में, हां, बट यहां डिसिप्लिन है, अपडेट हो रहा होता है, एंड आपको जनरली जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं आता, बट जो सुना हुआ है अपने माइंड में रिटेन करते हैं, वो कोई चीज देखते हैं तो ज्यादा रिटेन रहती है. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि न्यूज़पेपर पढ़े, चैनल्स देखे, उनको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लेके अपना एक एनालिसिस बनाए, बिकॉज़ दैट विल गिव यू द यूनिकनेस. हर आर्टिकल का एक एसेंस होता है छोटा, हम आर्टिकल भी याद ना रखे बट एसेंस उससे निकाले या उसे रिमेम्बर रखे. दैट इज वेयर आई थिंक कभी-कभी नोट मेकिंग हेल्प. पहले मैं क्या होता था, न्यूज़पेपर बस रीड कर लेती थी, तो मुझे लगता था मुझे सब आता है,
इट्स ओनली व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स दैट आई रियलाइज कि अब मुझे क्रक्स समझ आ रहा है उसका. सो एक न्यूज़पेपर से आप कुछ लाइनें नोट कर लो, लाइन लिख लो अपने प्रैक्टिस के लिए, भले ही वो बाद में रिवाइज होना, बट दो लाइन लिखो. व्हेन यू राइट देन यू अंडरस्टैंड व्हेदर यू हैव रियली अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ द. सर आज जो पढ़ा है 5 डेज बाद व्हेन यू गो बैक तो सब भूल जाते हैं. देखो सेल्फ जो नोट मेकिंग की हैबिट होती है वो तो समथिंग व्हिच इज डिफरेंट एंड दैट इज व्हाट विल सेल यू थ्रू. आप खुद नोट्स बनाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर रहा हूं, कर रही हूं. पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जैसे वियॉन जो न्यूज है वो लोग बहुत अच्छा करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं. सेकंडली एमईए की वेबसाइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि सरकार कल क्या करेगी, परसों क्या करेगी. And thirdly, sir, NDTV पे there are a few shows which are very very good. Like Sunday को Mr. Vikram Chandra के अंदर एक show आता है. There is a reality check and there is one show left, right and center. Yes. इनमें भी कोई आप देखोगे कोई disputes नहीं होते, चलाते नहीं वगैरह ज़्यादा. And they are very informative because interview के time current affairs becomes extremely important. और सब कुछ कभी कभी cover नहीं हो पाते एक single news channel से. Interview के time you need to add एक और newspaper Times of India because सबके घर आता नहीं and panelists generally पढ़े होंगे तो Times of India या Hindustan Times. It is always better to read 3-4 newspapers. At least you should see these headlines and news is anyway common, but there may be something different. And so mains and interview के लिए एक just चीज़ add करना चाहूँगा. अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीचेस देख सकते हैं तो क्योंकि उनकी स्पीचेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोलते हैं. उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी पता होती है, याद होती है, वो उनका डेटा भी पूरा बताते हैं. तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप अप टू डेट रहें. मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर को वो पता है एंड आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए. अगर सुन लिया तो थोड़ा याद रहता है, अगर टाइम रहा तो इट इज अल्टीमेटली द टाइम मैनेजमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट. अच्छा आपका जो डेली रूटीन होता था पढ़ाई का, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू गिव इन स्टडी, और व्हाट यू विल सजेस्ट फॉर द फ्रेशर्स कि उनको कब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट फ्रॉम थर्ड ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर या पास आउट करने के बाद शुरू करनी. सर मैंने तो मेरे थर्ड ईयर में सोच लिया था, लेकिन थर्ड ईयर में पढ़ाई नहीं की थी, कोचिंग लगाई थी, कोचिंग की थी एंड पढ़ाई नहीं करा था. आइडिया कंसीव हो गया, आइडिया हाँ, एंड उसमें एक आपका वर्ल्ड व्यू बन जाता है, आपके ग्रुप बन जाता है. फोर्थ ईयर में पढ़ाई शुरू करी एंड देन जस्ट आईटी से निकल के ही अटेम्प्ट दिया. एंड आई थिंक कि आपने थोड़ा सा पहले से कर लिया हो, माइंड सेट बना लिया हो तो वो बेटर रहता है क्योंकि आप उस पर्सपेक्टिव में फिर चले जाते हैं. एंड न्यूज़पेपर्स जब से आप कॉलेज में हैं, चाहे किसी भी ईयर में हो, अगर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट रहेगी तो ये पता रहता है कि इंडिया में हो क्या रहा है. एंड जब आप तैयारी या फॉर्मल तैयारी करने आते हैं तो आपको पता है कि 2 साल पहले ऐसा हुआ था, तो देन यू गो एंड रिविजिट क्या हुआ था. सो अगर आप फॉर्मल कोर्स नहीं पढ़ा बट रीड न्यूज़पेपर. जब आपका फाइनल स्टेज था इंटरव्यू के दौरान, उस समय आपको नेक्स्ट आईएएस की हेल्प कैसी रही और हाउ यू फेल्ट कि व्हाट इंप्रूवमेंट्स वाज डन इन योर प्रिपरेशन. बहुत हेल्प रही, 5 मेंबर का पैनल अदरवाइज मिलता कहाँ है. मतलब जनरली वी गेट 3 मेंबर पैनल, तो काफी अच्छा सिमुलेशन था, एकदम रियल इंटरव्यू जैसा. सो दैट वाज गुड, क्योंकि मार्क्स भी देते, दैट इज इवन बेटर. सो यू कैन गेज कि कैसा है, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं कहाँ नहीं. एंड वन पर्टिकुलर थिंग दैट आई लाइक वॉज, जब मेरा इंटरव्यू यहाँ पे था, सर जो चेयरमैन सर थे, ही वाज सो पर्टिकुलर कि मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो ही वाज सेड फर्स्ट विश मी. सो ये सारी चीजें जो हमें वहाँ पे एक्चुअली फॉलो करनी है ना, और उठ के जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझसे वापस रिपीट कराया कि नाउ व्हेन यू स्टैंड अप से थैंक यू टू मी. नॉट ओनली दैट, लाइक मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती है, पूरा यूपीएससी का एनवायरनमेंट एक मेंटेन रहता है. सर एक और चीज, जो इंजीनियरिंग क्लासेस हुई थी सीनियर्स के, सर वो तो सुपर, कहीं ना कहीं 2-3 साल से जब आउट ऑफ टच होते हैं सिलेबस से, मैंने कहीं नहीं देखा कि 2 दिन में आप पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो. हैट्स ऑफ, एक्चुअली आई वॉज वेरी हैप्पी ये कर, मतलब मेरे को तो इतना अच्छा लगा, 2 दिन की पूरा मैकेनिकल का एक रिवीजन मिल गया. जो बुकलेट मिली थी सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशल, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही कंसाइज थी, शॉर्ट थी, 70-80 पेजेस में पूरा कवर करता था. ओल्ड ईयर क्वेश्चंस भी थे और सैंपल क्वेश्चंस भी थे, सो इट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल. सो डियर फ्रेंड्स,
civil services is not that tough which you think. It is all about the game of the hard work. If you can work hard, study, and if you can conceive the idea of preparation of civil services and getting selected, you can do. Next IAS can be your success partner. We are definitely eager to help you, support you, guide you. And if you are looking for any support for the classroom courses, for general studies and optionals, then we are there. And we are also available for you for the postal courses and online courses. Thank you, everybody. Keep on watching the motivational videos. And definitely, I feel it will be beneficial to you.